एक तरफ सरकार जरूरतमंदों तक हर स्कीम को पहुंचाने के लिए कई प्रकार के जागरूक कैंप लगाती है कि हर जरूरतमंद को सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों का लाभ मिल सके। वहीं कुछ ऐसे शरारती तत्व भी शहर की जनता को इन्हीं स्कीमों की एवज में लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसा ही एक मामला पठानकोट के ब्रह्माशाला में भी देखने को मिला। यहाँ लेबर कार्ड बनाने के लिए 40 रुपये लोगों से लिए जा रहे थे और जब 7C न्यूज़ की टीम को इसके बारे में पता चला तो मौके पर पहुंचकर देखा कि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर एक शख्स लेबर कार्ड बनाने के लिए 40 रुपये लोगों से ले रहा है। वहीं जब युवक को 7C न्यूज़ की टीम की आने की भनक लगी तो वह मौके से फरार हो गया। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करे ताकि भोली भाली जनता को लूटने से बचाया जा सके। वहीं जब 7C न्यूज़ के संवाददाता नीरज ठाकुर ने लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर मनोज से बात की तो उन्होंने बताया कि यह कार्ड मुफ्त में बनते हैं और इनकी कोई भी फीस नहीं लगती। आपको किसने बिठाया यहाँ पे? वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक भारद्वाज के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।